लोगों के अजीबोगरीब नजरियात हैं। कोई कहता है जी नमाज पढ़नी चाहिए, दाढ़ी का कोई मसला नहीं जी, ये जाती मसला है। किसने कह दिया जाती मसला है जी? आपकी अकल चलेगी, आपकी ख्वाहिश चलेगी, या नबी अलैहिस्सलाम का फरमान चलेगा? आपने दाढ़ी रखी भी और रखने का हुक्म भी दिया, अगर जाती मसला था तो आपने हुक्म क्यों दिया? और कोई कहेगा नमाज पढ़नी चाहिए, हलाल हराम का ख्याल रखना चाहिए, बाकी शलवार टखनों से ऊपर हो या नीचे हो कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? शरीयत इसको कबीला गुनाह करार देती है। शरीयत ये कहती है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि जो अपनी शलवार अपनी चादर पैंट मर्दों में से टखनों से नीचे रखेगा, अल्लाह ताला रोजे क़यामत उससे कलाम नहीं करेंगे, अल्लाह उससे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अल्लाह उसकी तरफ मोहब्बत से नहीं देखेंगे, उसके लिए दर्दनाक अदाब है। यानी कि शरीयत इसको इतना बड़ा जुर्म गिरदान रही है कि उसकी सजाएं चार बयान की हैं, और आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं है।